अभी हम मौजूद हैं साहेब कुमार प्रखंड के रहुआ पंचायत के परिचालन भी चालू नहीं हुआ कि यह पुल पूरी तरह से धराशायी हो गया। अभी हम मौजूद हैं साहेब कुमार प्रखंड के रहुआ विष्णुपुर हो है, लेकिन एक दूसरे पाजा के बीच में धक्को मारने छे उ पिलर में धक्का मारने छे ई पिलर ओए बगल वाला नै घिच लक ई के चदा यहां 50 लगा लंबा घिच लक कुल है, लेकिन वही बगल वाला नहीं घिच लक चौदह यहाँ 50 लगा लंबा घिच लक कुल एक दूसरे पाजा के बीच में धक्को मारने छे उ पिलर में धक्का मारने छे ई पिलर में धक्का है उधर विष्णुपुर आहो घाट जो गोविंदपुर और रजौरा जाती है जो कि NH रोड से महज 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है वह 2-3 दिन पहले क्रैक किया था दरक गया था और वह पुल आज नदी में ध्वस्त होकर समाहित हो गई। बड़ी विडंबना और दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि यह पुल की लागत राशि लगभग 14 करोड़ था और इस पुल का उद्घाटन भी नहीं किया गया। यह भ्रष्टाचार का साहेबपुर कमाल विधानसभा में अनोखा और नमूना उदाहरण है और इस पुल को बनाने वाले ठेकेदार को कॉन्ट्रैक्टर को किस कमिटी के द्वारा दिया गया था मैंने 3 दिन पहले भी बोला था कि उसे उस ठेकेदार को अविलंब गिरफ्तार किया जाए और जेल भेजा जाए। इस पुल हो करके हजारों आदमी रोज आते और जाते हैं और आज तक सरकार पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। दो दिन पहले इंजीनियर भी आया था लेकिन उस इंजीनियर की बस की बात नहीं थी। मैं पुनः बोल रहा हूँ पूरे 30 साल से सरकार द्वारा दी गई जनता की विकास की राशि का साहेबपुर कमाल विधानसभा में लूटा गया लूट लिया और निरीह जनता को छोड़ दिया जिसका उदाहरण यह नदी में समाहित आहो घाट का पुल है।